अपने नानी के घर घूमने आया 4 वर्षीय आर्यन की गुमशुदगी की खबर जैसे ही डायल 112 एवं साइबर प्रहरी को लगी तो चंद घंटे के अंदर ही नाबालिग गुम बच्चे की पतासाजी कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मामला दुर्ग कोतवाली थाना का था। दुर्ग के पुलसाईपारा से 4 वर्षीय नाबालिग बच्चे की गुम हो जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद डायल 112 आरक्षक सुरेंद्र पाल थाना पद्मनापुर को सूचना मिली और तुरंत घटनास्थल पहुंचकर आसपास पतासाजी में जुट गए। एक नाबालिग बालक मिला जो अकेला था। नाबालिग बालक को पूछताछ करने पर अपना नाम आर्यन यादव धमदा का रहने वाला बताया। साथ ही दुर्ग अपने नानी के घर आना बताया। जब नाना नानी के घर का पता नहीं बता पाने पर आरक्षक द्वारा थाना सिटी कोतवाली दुर्ग लाया गया। बता दें पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के मार्गदर्शन और निर्देशन में संपूर्ण दुर्ग रेंज में साइबर प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जहां ग्रुप में आम जनता को जोड़ा गया है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन और एडिशनल SP अभिषेक झा, दुर्ग CSP चिराग जैन के निर्देशन में थाना प्रभारी दुर्ग विजय कुमार के नेतृत्व में नाबालिग बालक का फोटो साइबर प्रहरी में अपलोड कर समस्त थाना क्षेत्र में मैसेज भेजा गया, जिसके बाद बालक के परिजनों को पचरीपारा दुर्ग में साइबर प्रहरी ग्रुप में जुड़े आम जनता के माध्यम से पता चलने पर बालक की मां पूजा यादव सिटी कोतवाली पहुंची और अपने पुत्र को पहचाना और दुर्ग पुलिस द्वारा बच्चे को माँ के सुपुर्द किया गया। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।